हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग केसी फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। सो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन गिवन है, हमें इस रिएक्शन के लिए लॉग केसी की और मैक्सिमम वर्क की वैल्यू निकालनी है। हमें ई एन आई, इट इज बेसिक एन आई टू पॉजिटिव टू निकल। सो ये हमें दे रखा है, हियर इट इज ई नॉट। ओके, ई नॉट एन आई टू पॉजिटिव टू एन आई दे रखा है, और ए जी पॉजिटिव टू ए जी दे रखा है क्वेश्चन में, एंड 1 फैराडे की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए, दैट इज हमारे पास जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी नॉट, वो किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। और हमारे पास यहाँ पे देखो जो डेल्टा जी नॉट है, यही हमारे पास मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है। सो सबसे पहले इसके लिए हमें ई नॉट सेल चाहिए। सो ई नॉट सेल हमारे पास क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड माइनस एनोड। और कैथोड के पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन। सो रिडक्शन हाफ सेल चाहिए। सो रिडक्शन यहाँ पे देखो, निकल की हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, निकल 0 से +2 में जा रहा है, और एजी की क्या हो रही है, हमारे पास रिडक्शन हो रही है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है बेसिकली, इट्स नॉट हेयर, इट्स हेयर। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सिल्वर की रिडक्शन हो रही है। सो सिल्वर का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है 0.8 माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, निकल की, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.25। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट -202650 जाउल पर, ओ सॉरी। सो हमारे पास जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क होगा, दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास -2, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन हमारे पास 2 क्यों है, एन बेसिकली होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं। सो ऑक्सीडेशन के टाइम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, रिडक्शन के टाइम 1 इलेक्ट्रॉन है, बट ओवरऑल जब हम रिएक्शन कट करते हैं तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। फॉर एग्जाम्पल निकल जब जाएगा, निकल 2 पॉजिटिव में +2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर पॉजिटिव जाएगा एजी में +1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बी ओके। सो एन हमारे पास 2 हो गया, एफ हमें गिवन है 96500, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 0.8 प्लस 0.25। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क हमारे पास आएगा, दैट विल बी -202650 जाउल पर मोल। अब हमें इसके अलावा हमें निकालनी है इसमें लॉग केसी की वैल्यू। अब क्या होता है कि जो ई नॉट सेल है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे होता है, 0.059 बाय एन लॉग केसी। सो हमारे पास यहाँ से लॉग केसी किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एन की वैल्यू 2 है, सो 2 × E0 सेल हमारे पास आया था 1.15 डिवाइडेड बाय 0.059, दैट विल बी 35.6। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।